देखो लड़की की क्या हाल कर रखी है, कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, लड़की का बुरा हाल हो रखा है। अगर यहाँ पर अब इसके साथ कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए अपने बड़े बंगलों को छोड़ के यहाँ पे आए और लड़की से मिले और लड़की के परिवार से मिले। हमने देखा कि सुरक्षा में क्या कमी आई। मैं आपको ये बता दूं कि उस पीड़िता के परिवार में हमने 10 पुलिसकर्मी को सुरक्षा के लिए लगाया है, जिसमें 7 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो हाउस गार्ड के रूप में 24 आवर्स वहाँ रहते हैं, और 3 ऐसे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो 24 आवर्स उनके साथ चलते हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। 20 तारीख को बलात्कार की पीड़िता जो है उसने पुलिसकर्मी को कहा कि अब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, और कल भी जब वो रायबरेली जा रही थी तो उन्होंने सुरक्षाकर्मी से मेरे ये कहा कि हमारी गाड़ी में जगह नहीं है और हमें रास्ते में एक और आदमी को लेना है, इसलिए हम सुरक्षाकर्मी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। इस कारण सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं थे। किसने एक्सीडेंट आप ये बताइए, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये हुआ, क्या हुआ? हमको पता चला है कि विधायक के मना ही करा दिया इसकी। किसने बताई ये बात के विधायक जी ने? हमको ऐसे मालूम हुआ कि माँ अभी बहुत दिन से कहते थे इनके बत्तामानी जाइत रहे तो ये कहा है कि अभी तो महेश्वर सिंह अंदर अभी सजा भय है, अभी ये मर जाए इसकी वाइफ तो सब लोग अंदर चले जाए, माता पेट तो चली जाए, पेट का बीमा चली जाए। आपको लगता है कि विधायक जी ने करवाया है? हाँ विधायक ने करवाया। क्या नाम है विधायक जी? विधायक जी साहब कुलदीप सिंह। आप क्या चाहते हैं? ये अंदर है, इनके लोग मनाई तो नहीं अंदर है, सारा काम वहीं से कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम सर न्याय हमको चाहिए। हमारे साथ